Hey, what's up guys यार, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघवशुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइज यार, आपने शायद अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी हो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने इंस्टाग्राम के लिए 3D क्रिएटेड इमेज कैसे बना सकते हैं, यानी कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि आपका AI बनाता है एंड वो इमेजेस इतनी ज़्यादा कूल लगती हैं एंड 3D के अंदर होती हैं वो एंड इतनी ज़्यादा औसम लगती है, आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये वाली इमेज को रेडी कर सकते थे। यानी कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले ये वाली इमेज बनाना सिखाया था, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंग्स वाली इमेज बनाना सिखाऊंगा कि आप अपने नाम के साथ एक अच्छी खासी विंग इमेज कैसे बना सकते हैं, मतलब एक बहुत ही बढ़िया 3D इमेज कैसे बना सकते हैं। गाइज यार, AI का ज़माना है एंड AI के ज़माने में ना एक सबसे ज़्यादा जो खास चीज़ जो मैटर करती है ना वो ये है कि अगर आपको AI को पूरी तरीके से यूज़ करना है तो आपको AI को चलाने के लिए प्रॉम्प्ट आने चाहिए। यानी कि आपको अगर प्रॉम्प्ट्स की पूरी नॉलेज है तो आप AI का गाइस मेरा यकीन मानिए फुल 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि आप AI को बिल्कुल उसके मैक्स टू मैक्स जितना वो परफॉर्म कर सकता है आप उतना उसका यूज़ निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए या फिर आप अपनी प्रोफाइल्स की पिक्चर के लिए यानी कि इस तरीके की 3D इमेजेस को कैसे रेडी कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है एंड इनको देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये वाली जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दिखने में एंड मतलब एकदम से नज़रिया बदल जाता है बिल्कुल प्रोफाइल को देखते ही, और ऐसी इमेजेस बहुत ज़्यादा कूल लगती है एंड साथ ही साथ इनमें बैकग्राउंड में आपका नाम भी शो होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन वाली इमेजेस को कैसे आप रेडी कर सकते हैं अपने एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ। एंड गाइज, ये सेम चीज़ आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपने आईफोन के अंदर भी कर सकते हैं। तो गाइज, इस वाली चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार, जैसे कि आपको मेरे फोन की स्क्रीन नजर आ रही होगी एंड यहाँ पे आपको सिंपली एक एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड डाउनलोड करके आपको बस इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। गाइज यहाँ पे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर आपको जाना है एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है बिंग। बिंग एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज की एप्लीकेशन है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वाले एप्लीकेशन को सर्च कर लेना प्ले स्टोर के अंदर एंड इस वाले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। गाइज मैंने इस वाले एप्लीकेशन को पहले से ही अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन के लिए आ रहा है। बट अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको ना दोबारा मन नहीं करेगा इस वाले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का क्योंकि ऐसी कोई वजह है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेटिंग वगैरह की बात करें तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, गाइज बिंज चैट विद AI एंड GPT-4 इसके अंदर इंस्टॉल मिलता है एंड साथ ही साथ अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.1 स्टार की इसकी रेटिंग है एंड 800,000 लोगों ने इसका रिव्यू कर रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर एप्लीकेशन है एंड 5 करोड़ से ज़्यादा इसका डाउनलोड्स है जो कि अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि AI का इसने बहुत जल्दी ही इंप्लीमेंट कर दिया अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो AI वाला जो ये टाइम चल रहा है जहाँ पे कि आप सर्च करके इस वीडियो को देख रहे हैं कि 3D इमेज कैसे क्रिएट करते हैं या 3D कोई भी आपकी पिक्चर है अपनी प्रोफाइल के लिए या सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कैसे बनाते हैं, तो गाइज वो सारी चीज़ें ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल ही आसानी तरीके से कर देती है। बट ये कि आपको एक बार तरीका पता चल जाइए, तो तरीका पता लगने के बाद आप अपने AI को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन एडिटर तो मैं AI का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता हूँ क्योंकि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ बनवानी है तो हमारे जैसे लोगों के लिए मतलब हमारी फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको ना गाइस सबसे पहले ये अपनी Gmail ID से साइन इन करने के लिए बोलेगा। मेरे को यहाँ पे अभी इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी वाली एप्लीकेशन के अंदर मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन मैं इसलिए कर लिया पहले क्योंकि जब भी मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं उसको पहले खुद ट्राई करके देखता हूँ एंड अगर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ आप लोगों को कुछ बेनिफिट दे सकती है या फिर आप लोगों को कुछ यूज़ में आ सकती है तो गाइस तभी मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार इस चीज़ में दम नहीं है, बस सुनी सुनाई कहानी है, तो उसको वहीं पे इग्नोर कर देते हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जैसे पहला होम, दूसरा न्यूज़, तीसरा कोपायलट एंड चौथा है आपका टैब्स एंड आपका पाँचवा है ऐप्स। तो आपको गाइस ऐप्स वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देना है एंड ऐप्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाली लाइन में आप देखना, लास्ट सेकंड लाइन के अंदर एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है इमेज क्रिएटर। तो गाइस इमेज क्रिएटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो आपका AI है उसका जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंच इमेज क्रिएटर फ्रॉम डिजाइनर प्रीव्यू। गाइस ये डेली पे चलता है तो डेली एक ChatGPT का एक वो था प्लगइन, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड गाइस अब आप देखना कि जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है वो जो प्रॉम्प्ट होगा वो आपको पूरा
ब्रीफली आपको आपके डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। आप सिंपली जा सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है। अगर आपको टेक्स्ट वाइज वहाँ पे देखना है कि पहले क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, तो आप वहाँ से भी जाकर एक बार पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉम्प्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ, क्रिएट अ 3D इल्यूजन फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर, वेयर अ बॉय इन अ ब्लैक शर्ट कैजुअली ऑन अ विंग बैक चेयर। विंग बैक चेयर यानी कि गाइस, ये जो फोटो है ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में विंग निकले होते हैं काफ़ी बड़े बड़े। वेयरिंग स्नीकर्स, अ ब्लैक क्रिकेट कैप एंड सन ग्लासेस, ही लुक्स अहेड। द बैकग्राउंड फीचर्स विनीत, यानी कि विनीत यानी कि मेरा नाम है विनीत, तो विनीत की जगह आप यहाँ पे कट करके अपना नाम लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी उसमें बैकग्राउंड में आपका नाम शो हो जाएगा। इन अ बिग एंड कैपिटल वाइट फॉन्ट ऑन द ब्लैक वॉल, ठीक है। साइट टाइम इज मनी, देयर शुड नॉट बी हिज शेडो एंड देयर आर विंग्स टू मेक इट अपियर एज इफ ही इज एन एंजल। तो गाइस, मैंने आप जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि AI तो बहुत बढ़िया है, बट उसको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स को लिखना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो गाइस, सिंपली आपको करना क्या, आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब जो आपका जो इमेज क्रिएटर है वो यहाँ पे इमेज को बनाना शुरू कर देगा। एंड यार, अब मेरा इसके ना रिजल्ट दिखाऊंगा। अगर मान लो सपोज ये आपके सामने 10 इमेज तैयार करके दे रहा है, तो 10 में से ऑलमोस्ट 8 इमेज ऐसी होती है जिनको कि आपका मन करेगा कि हाँ यार, इसको यूज़ कर लेते हैं, ये सारी यूजेबल इमेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने जो सारी देखी है, मतलब मेरे को तब तक जितनी भी दी है इसने सारी एक से एक फर्स्ट क्लास है। जैसे आप पहली वाली मैं आपको दिखाऊं, तो गाइस ये आप देख सकते हैं विनीत नाम से भी काफ़ी अच्छी है, विनीत साइट टाइम मनी। तो यहाँ पे अगर बैक करके देखें तो ये दूसरी इमेज है विनीत के नाम से, तो ये वाली है एक, ठीक है। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो वैसे ये वाली है, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी एक जो विंग बैक चेयर वाली जो इमेज है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो ये वाली है, विनीत टाइम इज मनी, एंड पीछे विंग वगैरह निकल रखे हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसने बना दिया है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ 3 डॉट पे क्लिक करके इस वाली इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, अब आप देख सकते हैं ये वाली जो इमेज है वो मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइज़, इस तरीके से अब मैंने आपको पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आप विंज एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी एक कोई भी 3D इमेज कैसे बना सकते हैं। बस ये कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से ये इमेज को क्रिएट भी कर देता है, जिस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो गाइस यार, अगर आपको ये हो गया कि हाँ मैं बना सकता हूँ तो आप बनाइए। बट अगर आपको कोई भी डाउट आता है फिर भी, अगर किसी भी चीज़ को लगे कि ऐप नहीं इंस्टॉल हो रहा या मेरा AI ढंग से काम नहीं कर रहा या मैं डाउनलोड कैसे करूँ, तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खाली है, आप जाइए उसको भरिए और उसको जो रिप्लाई देने का काम है ना वो मेरा है। आपको विद इन 1-2 आवर्स के अंदर वहाँ पे आपको आपकी क्वेरी का जो रिप्लाई होगा वो मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके DM कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम यूजुअली क्या होता है, मेरे बहुत ज़्यादा करीब होता है, उसको मैं जल्दी एकदम से आपके जो कोई भी क्वेरी वगैरह आती है उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकते हैं, बट DM करने से पहले यार मुझे फॉलो ज़रूर कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर, जिससे कि आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहो। तो अगर कोई भी और चीज़ हो टेक्निकल से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सको। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। और गाइस, ये वाली वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि बार बार आपसे पूछते रहते कि भाई यार तूने 3D इमेज बना ली यार, मुझे ही बनाना सिखा दे। तो गाइस, सीधा करना है आपको, आपको इस वीडियो को कॉपी करना है, इसका लिंक एंड सीधा उठा के भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय और अपना ध्यान रखें।